गुरुग्राम में आज जिला उपायुक्त श्री अमित खत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी को अपने अधिकार के बारे में प्रेरित किया कि जो भी 1 जनवरी से 18 साल की उम्र हो गई है वो BLO को आदेश दे दिए हैं कि सभी गांव व लिस्ट बनाकर सभी को वोट बनवाए। हरियाणा से राजीव मेहता की रिपोर्ट। अब आने वाले नागरिक जिनकी 1 जनवरी 2019 को 18 वर्ष के हो चुके हैं वो सारे अपने वोट बनवाने के लिए पात्र हैं, एलिजिबल हैं, और वो भी या तो वोटर ऐप के द्वारा या फिर अपने कंसर्न्ड BLO से संपर्क करके अथवा हमारे हेल्पलाइन नंबर से गाइडेंस लेके अपना नया वोट बनवा सकते हैं। इसी कड़ी में आने वाले हमारे 21 जुलाई को एक स्पेशल कैंपेन भी चलाया जाएगा जिसमें जितने भी हमारे बूथ्स हैं उनके कंसर्न्ड BLOs अपने अपने बूथ्स पे मौजूद रहेंगे और इस पूरी प्रक्रिया में और ज़्यादा एक एक्टिव रोल रहेगा एक मेजर कैंपेन की तरह। कुछ समय से हम एक प्रोग्राम इसमें अंडरटेक कर रहे हैं गुरुजल के नाम से और अब उसे और ज़्यादा एक पुश मिला है और आने वाले हमारे 15 सितंबर तक एक इंटेंसिव कैंपेन की तरह इसे चलाया जा रहा है। हर सप्ताह कोई ना कोई एक इवेंट होगा, विभिन्न प्रकार के इवेंट्स प्लान्ड हैं जिसमें इस आने वाले शनिवार को लाइकली है कि वो पूरा इवेंट कैलेंडर हम अनवील करेंगे आदरणीय सीएम साहब द्वारा ही। और आने वाले हर सप्ताह कभी कोई वर्कशॉप, कभी कोई इंटरेक्शन, कभी कोई एक तरह से एग्जीबिशन जहाँ पे विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजीज़ का डेमोंस्ट्रेशन हो, किस प्रकार से ज़्यादा हम जनता को इसमें अवेयर करें, कैसे उन्हें इन्वॉल्व करें, किस प्रकार एक आम नागरिक अपना इसमें भाग ले सकता है, कैसे अपने इंडिविजुअल लेवल पे वो अपना इम्प्रूवमेंट कर सकता है, तो इन सारे इश्यूज़ को लेके हमारे ज़िले में ये कैंपेन चलाया जाएगा और इंटेंसिव तरीके से मॉनसून के महीने में 15 सितंबर तक ही चलेगा। देखिए ग्लोबल सिटी 1000 एकड़ में करीब लैंड है और ये सारी प्लानिंग मुख्यालय द्वारा की जाती है। यहाँ पे ज़िला स्तर पे उसकी एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं कि वो ओवरऑल एक डेवलपमेंट प्लान में किस तरह से उसे अकोमोडेट किया जाता है और इसमें अच्छी सुविधाएं रहेंगी। RRTS और ऐसा MRTS जो होता है मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, यूजली जैसे हाई स्पीड ट्रेन्स या फिर मेट्रोस, उससे कनेक्टिविटी रहेगी, अच्छा इन्वायरमेंट एस्पेक्ट रहेगा और ट्रांसपोर्ट भी इसका इंटरनल इसी हिसाब से प्लान किया जाए कि विदाउट पुटिंग एनी एक्स्ट्रा बर्डन ऑन द एग्जिस्टिंग इंफ्रा इसको हम आगे कर्स्यू करें। की हैं HSVP से अथवा कॉलोनाइजर से, उन सारों में बेटर लेवल ऑफ इंफ्रा रहे जैसा कमिटमेंट था डेवलपर के द्वारा अथवा निगम या फिर बाकी एजेंसीज के द्वारा, वो जल्द से जल्द हमारा पूर्ण हो और जो भी इंफ्रा की आज के दिन डेफिसिट है उसे एड्रेस करके स्पेशली जो भी हमारी 7-8 टेकन ओवर कॉलोनीज हैं उसमें आम जनजीवन और बेहतर रहे, बिजली तथा पानी की जो बेसिक सुविधाएं उसमें कोई भी खलल ना आए, जहां पे आज फेस कर रहे इश्यूज उसमें इम्प्रूवमेंट हो, इसी को लेके कल भी एक ये रिव्यू हुआ था एंड आई एम कॉन्फिडेंट आने वाले समय में इसमें और इम्प्रूवमेंट हो। अस्पताल में जो बेसिक दवाइयाँ हैं उनकी हमेशा सूची एक प्रकाशित रहती है, सबसे शेयर भी की जाती है और जहाँ पे भी अगर कोई कमी है, अगर कोई एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज कहीं क्रिएट की जा रही है विद एनी मॉल इंटेंशन तो उसे डेफिनेटली एड्रेस करेंगे। अगर जेन्युइन शॉर्टेज है या फिर कोई डिले इन प्रोक्योरमेंट है तो उसे अलग से टेकअप करना। अच्छा, तो आने वाले हमारे विधानसभा चुनाव में जितने भी हमारे ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशंस हैं उनका भी प्रपोजल दोबारा से भेजा गया है ताकि किसी एक बूथ पे बहुत ज़्यादा क्यू ना हो, बहुत ज़्यादा लाइन ना हो, एक बूथ पे एक आइडियल नंबर ऑफ ऑप्टिमम नंबर ऑफ वोटर्स ही रहे 1200 से 1300 और अगर कहीं पे इससे ज़्यादा है तो एक नया बूथ भी गठित किया जाएगा। खालिस्तान के समर्थन के लिए चल रहे सीख फॉर जस्टिस ग्रुप पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए बैन पर एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए प्रधानमंत्री को सरदार पटेल की संज्ञा दी। ATFI चीफ वीरेश शांडलिया ने कहा पंजाब को विभाजित नहीं होने दिया जाएगा, उन्हें कुर्बानी भी देनी पड़े तो वो देंगे लेकिन खालिस्तान नहीं बनने दिया जाएगा। वीरेश शांडलिया ने कहा इस मामले को लेकर विदेश मंत्रालय को इस पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी करना चाहिए। पंजाब से राजीव मेहता की रिपोर्ट। भारत के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी ने जो खालिस्तान रेफरेंडम 2020 पर रोक लगाई और बैन लगाया एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल फैसला है। हम सरदार पटेल की संज्ञा देते हैं मोदी जी को, जो UK और कनाडा में बैठकर पतवंत सिंह पन्नू और परमजीत सिंह पम्मा जिसके पाकिस्तान के साथ तार मिले हुए हैं, तार जुड़े हुए हैं, वो वहाँ बैठकर फंडिंग कर रहे हैं और पंजाब का माहौल खराब कर रहे हैं और मोदी ने ऐसा फैसला करके बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है।
किसी कीमत पर भी पंजाब में देश को विभाजित नहीं होने दिया जाएगा, 1947 का इतिहास नहीं दोहराया जाएगा, और हम हमारा एंटी टैक्स फंड इंडिया मोदी को ना केवल सरदार पटेल की उपाधि देगा बल्कि खालिस्तान हमारे खून डोलकर अगर भी हमारे खून को भी हमें कुर्बानी देनी पड़े तो हम तैयार हैं, खालिस्तान नहीं बनने दिया जाएगा। और मैं विदेश मंत्रालय से रेड कॉर्नर नोटिस इशू करने की मांग करता हूं, क्योंकि पतवंत सिंह जो खालिस्तान मूवमेंट के लोग हैं उनके खिलाफ इंडिया में 11 मुकदमे दर्ज हैं, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, रेड कॉर्नर नोटिस इशू किया जाए। जो हमारा एजेंडा है वो खालिस्तान को लेके है, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिख फॉर जस्टिस तान की पक्षघर है उसको इंडिया में बैन किया है, मांग करते हैं कि उसको भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाए, और ऐसी संस्थाएं देश की एकता और अखंड मोदी जी ने उसको बैन करके एक बड़ा हिस्टोरिकल फैसला लिया है और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को हम सरदार पटेल की उपाधि से नवाजेंगे, हमने उनसे टाइम मांग लिया है, हमारे हजारों लोग उनको सम्मानित करने जाएंगे। हरियाणा में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने जा रही है, जिसको लेकर राष्ट्रवादी जनलोक परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा 2 जून को भोंडिसी से चलकर 21 जुलाई को करनाल में समाप्त होगी। पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां अफगानिस्तान से भारत लाने वाले राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के प्रचारक शेर सिंह राणा जनसभा को संबोधित करेंगे। अम्बाला में शेर सिंह राणा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि यात्रा का मुख्य उद्देश्य 5 मांगों पूरा करवाना है, जिसमें युवकों को रोजगार दिलवाना, 12 वर्ष से कम उम्र की कन्या से बलात्कार पर जनता के बीच फांसी व गौरक्षा के गोचर भूमि को खाली करवाने और राजपूत समाज को राजनीति में आरक्षण लागू करवाना है। हरियाणा से राजीव मेहता की रिपोर्ट। देखिए, मेरा नाम शेर सिंह राणा, RJP का राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरे बगल में श्री राजेंद्र नरोका जी मुख्य वक्ता, इस साइड में नरेश परमार जी। इस यात्रा के जो हमने निकाली हुई है राष्ट्रवादी जनलोक परिवर्तन यात्रा, उसके राज्य के सह संयोजक। यात्रा की शुरुआत 2 जून से गुड़गांव से की गई और 21 जुलाई को करनाल में एक महासम्मेलन के साथ सेक्टर 12 हुड्डा ग्राउंड में इसका महासम्मेलन करके समापन किया जाएगा। यात्रा के उद्देश्य है राजनैतिक रूप से जागरूक करना, सामाजिक रूप से जागरूक करना समाज को, और 5 मुद्दों को लेकर राष्ट्रवादी जनलोक परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की गई। पहला मुद्दा कि जो परिसीमन है वो नया परिसीमन करवाकर चुनाव कराया जाए, जो आने वाला विधानसभा चुनाव है, क्योंकि इस तरीके से इस समय प्रदेश के अंदर परिसीमन है कि राजपूत समाज के लोग कम से कम विधायक बने, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हमारे समाज के साथ किया गया है। दूसरा मुद्दा है जो गाय है, जिसको हम अपने माँ बोलते हैं, तो जो गौचर की भूमि है उसको गाँव में जो दबंगों ने कब्जा कर लिया है या उस पर कोई बिल्डिंग वगैरह बना दी है कब्जा करके सरकार ने खुदी, तो गौचर भूमि खाली कराई जाए, जिससे कि गाय की सही से संरक्षण और उनका पालन पोषण हो सके। तीसरा मुद्दा है कि जो 12 साल से छोटी कन्याएं हैं, अगर कोई भी उनके साथ दुष्कर्म करता है तो उसको सरेआम फांसी की सज़ा जो है पब्लिक के द्वारा दी जानी चाहिए। चौथा मुद्दा है कि किसान हमारे अन्नदाता है जब देश के, तो किसानों को भी वही फैसिलिटी मिलनी चाहिए जो देश के हर उत्पादक को मिलती है, कि वो अपनी कीमत बनाई हुई चीज़ की खुद तय करता है, तो किसान को भी जो MRP है वो खुद तय करने का अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए एक मजबूत किसान आयोग का गठन, जिसमें कोई IAS YAS नहीं होना चाहिए बल्कि उसमें किसान ही उसमें आयोग के अंदर होने चाहिए। पाँचवा मुद्दा है कि लगातार आज़ादी के बाद से क्षत्रिय समाज के साथ जो भेदभाव हुआ है उसके कारण समाज में बेरोजगारी का स्तर बहुत ही ज़्यादा ऊंचा हो गया है, इसलिए हर क्षत्रिय परिवार को 10 साल तक किसी भी श्रेणी में रखकर उनको हर परिवार को एक एक नौकरी देना इस यात्रा के मुख्य उद्देश्य हैं। और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी जब भी सत्ता में आएगी तब ये सभी चीज़ों को पूरा करेगी, ऐसा हमारा लोगों से वादा है। बहुत धन्यवाद। देखिए, हम लोग महाराणा प्रताप जी के रास्ते पर विचारधारा पर चलने वाले पार्टी है भाजपा, और क्योंकि महाराणा प्रताप जी ने सभी को साथ लेकर चले, उन्होंने कीरत बारी को भी, परिवार को भी अपने साथ लिया, तो उन्होंने हकीम खान सूर को भी लिया, उन्होंने पन्ना दाए तो
देवी परिवार को लिया, जो गुजर समाज से हैं, किरत बारी जी वाल्मीकि समाज से हैं, आपके भील समाज को भी साथ में लिया, आपके वैश्य समाज को भी साथ में लिया भामा शाह के रूप में। ब्राह्मण तो हमेशा क्षत्रिय जो है भरता ही नहीं है बिना आशीर्वाद के। तो इसलिए जो है हमारा कहना है कि हम अभी इस समय देश के अंदर कोई भी क्षत्रिय झंडा नहीं है। अगर हम किसी से भी पूछते हैं भाई यादव समाज का, तो लोग खुद ही बोलते हैं भाई समाजवादी पार्टी आरजेडी लालू की। अगर बोलते हैं भाई यादवों का ये जाट भाइयों का झंडा, तो खुद ही लोग बोलते हैं इन्हें लोग खुद ही बोलते हैं आरएलडी। तो हम जब ये प्रश्न करते हैं कि भाई राजपूताना झंडा, तो कोई नहीं बोलता है। जबकि हमेशा 36 कौम खुद ये चाहती है कि राजपूत समाज का भी कोई झंडा बने, क्योंकि यही एक ऐसा क्षत्रिय समाज है जिन्होंने न्याय देने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने बच्चों तक की गर्दनें काट दी, बलिदान दिया। तो ये न्याय देगा पूरी 36 कौम को, सबको साथ लेकर चलेगा। लेकिन क्योंकि के अभी तक कोई झंडा नहीं था, तो हम उनको साथ लेके जाते कहाँ? तो इसीलिए देश में पहली बार राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का गठन किया गया, जिसका कोर वोट बैंक राजपूत समाज है, और राजपूत समाज का विशेष ध्यान इसमें रखा जाएगा। लेकिन किसी दूसरे के साथ अन्याय भी नहीं करा जाएगा, 36 कौम को भी उनका हक दिया जाएगा। हर हाथ में रोजगार हो, हर पेट में रोटी हो, इस बात का हम वादा करते हैं, आरजेपी वादा करती है, और हम इसमें खरा उतरेंगे, ऐसा हमारा लोगों से वादा है।